हेलो यार गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो गाइस कैसे हो, आई होप आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने Redmi 8 फ़ोन की डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएं। यहाँ पर मैं आपको सिंपली से कुछ सेटिंग बताऊंगा जिन्हें आपको अपने फ़ोन में करना है। उसके बाद गाइस आप भी काफ़ी बढ़िया तरीके से आपके फ़ोन की जो डिस्प्ले वहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो, जो कि गाइस यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क भी करेगा। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ लाइव करके दिखाने वाला हूँ और यहाँ पर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी लगा के दिखाने वाला हूँ। सो गाइस आज के इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे आल पे प्रेस कर दीजिएगा। सो गाइस आपको यहाँ पर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग को कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है। फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद गाइस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का, तो आपको सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ स्क्रीन लॉक का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करके गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर गाइस आपने जो भी पहले लॉक दिया था उसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टर्न ऑफ स्क्रीन लॉक का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने से होगा क्या कि गाइस आपने पहले यहाँ पर जो भी लॉक स्क्रीन में पासवर्ड पैटर्न या भी जो भी सेट किया होगा वो सिंपली से यहाँ से ऑफ हो जाएगा। और इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग को डबल से यहाँ पर ओपन कर लेना है। फ़ोन की सेटिंग को डबल से ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा थिम्स का, तो ये जो थिम्स का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऊपर सर्च का एक ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सिंपली से कुछ इस तरीके से सर्च कर देना है डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। आप जैसे यहाँ पर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी थीम लोड होके आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर गाइस दो थीम मिलेगी, बिजनेस फिंगर और कोडेक्स यूआई। तो आपको ये जो कोडेक्स यूआई वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होने लग जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एक नीचे डाउनलोड का बटन मिलेगा, तो आपको पहले तो इसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले इसे डाउनलोड कर लिया तो मेरे पास अप्लाई का बटन आ रहा है। तो गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको नीचे कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, तो आपको ये जो आइकन है इसमें से टिक हटा देना है, जैसे कि होम स्क्रीन सिस्टम आइकन, इन तीनों में से आपको ये जो टिक है हटा देना, ओनली लॉक स्क्रीन पर रहने देना है, क्योंकि हमें फ़ोन की थीम चेंज नहीं करनी है, ओनली लॉक सिस्टम चेंज करना है। तो आपको ओनली लॉक स्क्रीन पर रहने देना है और यहाँ पर अप्लाई वाली बटन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे अप्लाई वाली बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये जो थीम है आपके फ़ोन में अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद गाइस यहां पर आपको क्या करना है, आपके फोन की होम स्क्रीन पर यहां पर बैक आ जाना है। होम स्क्रीन पर बैक आने के बाद गाइस आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहां पर आपके फोन की जो थीम थी पहले जैसी है, लेकिन मैं यहां पर जैसे अपने फोन को लॉक करता हूं और लॉक करने के बाद जैसे ही फ़ोन को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर नीचे देखिए कुछ इस तरीके का जब फिंगरप्रिंट का साइन है वो शो होने लग जाता है। मैं जैसे इस पर फिंगर रखता हूँ तो मेरा फ़ोन यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से अनलॉक हो जाता है। तो गाइस ये जो फिंगरप्रिंट है आप भी काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने फ़ोन में लगा सकते हो। सो गाइस आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे आल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आपके फ़ोन रिलेटेड जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।